हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में फटाफट स्टार्ट करते हैं 20th जून की क्या करंट अफेयर्स है और इससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है जो कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ईज ऑफ डूइंग से रिलेटेड है। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा इनमें से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट आती है जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसमें टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं और 6 पैरामीटर्स के नाम मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर रखा है। एक बार फटाफट देख भी लेते हैं कि क्या वो कौन से 6 पैरामीटर्स हैं। तो उन 6 पैरामीटर्स में से सबसे पहला पैरामीटर तो आ ही जाता है, यही आपका इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिस्टम हो रही होती है। इसके अलावा अगर दूसरे पैरामीटर के बारे में बात करें तो दूसरा होता है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। जितने भी इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं, जितने भी कंपनी बैंकरप्टसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी यहां पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा तीसरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है टैक्स स्ट्रक्चर को ही लेकर के। एक्चुअली टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है टैक्स कंप्लायंसेस। मतलब बेसिकली कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टैक्स लिए जा रहे हैं उनको लेकर के ये बनाया जाता है। इसके अलावा होता है स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ उसको मैं लिख दे रहा हूँ। स्टार्टिंग अ बिजनेस कि बिजनेस को स्टार्ट करने में आखिर में कौन कौन सी मतलब नॉर्म्स हैं, क्या क्या यहाँ पर चीजें आ रही हैं। इसके अलावा होता है रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर रहे हैं उसको लेकर के भी पैरामीटर होता है रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी। और लास्टली होती है ट्रेड आउटसाइड बॉर्डर, ये विदिन नहीं होती है, आउटसाइड बॉर्डर होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 पैरामीटर देख लिए। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा लास्ट 2 ईयर से काफी ज्यादा पूछे आ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखिएगा। मैं क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनको मैं 1 by 1 करके आपको लेते आऊंगा, तो आप लोग इसको देख करके तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था Recently, easing has been done in limited liability partnership agreement. इसको लेकर के एक separate video भी मैंने दिन में post किया हुआ था। इसकी link आपको video के end में मिल जाएगी, suggestion में आ जाएगा, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें option देखें तो यहाँ पर observing the global pandemic after effect, बिल्कुल COVID के कारण से इस चीज को ease out किया गया, आसान किया गया है। दूसरा है ease of doing business को improve करेगा, बिल्कुल correct है। और ये trade को भी कहीं ना कहीं ठीक ही कर रहा होगा, बट दिस इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। ये आफ्टर इफेक्ट के रूप में निकल सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, और यहां पर 1 and 2 ये हो जाएगा 1 and 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके अलावा आगे बात करें, पहले तो इसके करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है जहां पर इस सेंटर प्लान्स टू डीक्रिमिनलाइज वेरियस प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट, इसको लेकर के कहा गया है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये सारी चीजें बताई हैं कि क्या सिस्टम आगे होगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा करंट अफेयर्स है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को लेकर के है। ये अभी रिसेंट में US ने इंडिया का जो भी मतलब इंडिया को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दिया था उसको हटा दिया था, बट वापस से इंडिया को इसे रिस्टोर कर दिया गया, वापस से इसे दे दिया गया। तो बेसिकली ये दिया आता है डेवलप्ड नेशन के द्वारा, दिस इज नॉट डेवलप्ड नेशन के द्वारा दिया जाता है, WTO की नॉर्म के अंतर्गत आता है। जैसे होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जैसे कंसेप्ट होता है, सेम वैसे ही होता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का, GSP का प्रेफरेंस होता है। तो बेसिकली जो न्यूज है, दिस न्यूज इज US मूलिंग ओवर रिस्टोरिंग इंडिया स्टेटस अंडर GSP, और यहां पर बताया गया है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इज डिजाइन टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अलाउिंग ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर द थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी कंट्री। तो जिस तरीके से डेवलपिंग के लिए हमारे पास MFN स्टेटस होती है, सेम वैसे ही यहां पर ये केस GSP का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर बोला गया है कि चाइना और इंडिया का कई सारा इश्यूज चल रहे हैं, आप लोग न्यूज में फॉलो भी कर रहे होंगे। यहां पर बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को इंडिया इंपोर्ट करता है। तो देखिए इंडिया इंपोर्ट करता ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मोबाइल पार्ट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फार्मास्यूटिकल बिल्कुल, APIs को जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, सारा ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये है वो न्यूज जहां पर बोला गया है कि स्टॉपिंग चाइनाज इंपोर्ट में हर्ट इंडियाज एज
एक्सपोर्ट टेलीकॉम फार्मास्यूटिकल कंपनी, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इंपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा सेक्टर वो है जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम लोग चाइना के थ्रू जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कट शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो WTO की नॉर्म हमें ऐसा नहीं करने देगी, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स के बेसिक वीडियो लेक्चर्स में बता रखे हैं क्यों हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि हमारी जितने भी आज की डेट में इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट एक लिंक में बना के रखी हुई है, और अगर वो लिंक ब्रेक हो जाएगी तो इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डेवलपमेंट है, जो बेसिकली प्रोडक्ट बनाना है वो भी हैम्पर कर जाएगा। इस कारण से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए इंडिया और चाइना को लेकर के काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, इनफैक्ट इकोनॉमिक इश्यूज भी काफी ज्यादा हो गए हैं, तो हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे, नियर अबाउट 10 मिनट्स की वीडियो होगी, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट ओवर विद चाइना, चाइना से कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, क्या हम चाइना को डिफीट भी कर सकते हैं कि नहीं। यह मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल अवेलेबल हो जाएगा वीडियो, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और हम लोग कोई भी बातें हवा में नहीं करेंगे, सारे फैक्ट्स के थ्रू बात कर रहे होंगे। देखेंगे आखिर में पॉपुलेशन क्या है चाइना की, कितनी परसेंट यहाँ पर लेबर फोर्स है, क्या लेबर लॉस है, क्या चीजें ऐसी है चाइना में जो चाइना को 1960 के बाद से एक एक्स्ट्रा एज प्रदान कर दिया और हमें एक लो एज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिटियोर के बारे में कि मिटियोर आखिर में जो लैंड किया गया राजस्थान में पाया गया है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए यूरोनियम और प्लूटोनियम ये दोनों न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं और ये मिटियोर में नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल एंटीमनी है, इसका ऑप्शन केवल और केवल ए हो जाएगा। और ये वो न्यूज है जहां पर देख सकते हैं मिटियोराइट ट्रैक ऑब्जेक्ट लैंड इन राजस्थान, यहां पर वो बताया गया है कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, लाइक निकेल हो गया, आयरन हो गया, प्लैटिनम, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली इस मिटियोर में होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस थे बट ये न्यूज कटिंग कोई लगाने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस एंड दीज यूजुअली हैपन इन अ वेरी रेगुलर मैनर, तो इस वजह से इसको डायरेक्टली क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा इलेक्शन में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर राज्यसभा का इलेक्शन राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन होती है, इलेक्शन कमीशन करवा रही होती है जो भी एमपी का इलेक्शन होता है, और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952, यस बिल्कुल करेक्ट है, इसी के थ्रू किया जाता है, लेकिन स्टेटमेंट में यहां पर रॉन्ग है, इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन ओपन बैलेट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल लेवल का इलेक्शन है जहां पर ओपन बैलेट सिस्टम होता है, जहां पर आप दूसरों को वोट देख सकते हैं, और यही कारण है कि व्हिप और साथ ही साथ शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो यहां पर ऑप्शन केवल और केवल 2 करेक्ट होगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा किससे रिलेटेड है, तो ये ओडिशा से रिलेटेड है। अभी रिसेंट में हाई कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को रोक दिया है कोरोना की प्रॉब्लम को देखते हुए, और इसलिए ये न्यूज भी सामने निकल के आई है। तो ये थी आज की हमारी पूरी न्यूज, अगर आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन रीच अस टू अस बाय यूजिंग दीज मीडियम्स। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।